दोस्तों, हमारी धरती करीब 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से रोटेट करता है। अगर कैलकुलेट की जाए तो करीब 460 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से धरती स्पिन करता है, यानी कि धरती में प्रेजेंट हर ऑब्जेक्ट्स लगभग आधा किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है। और दोस्तों, हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि धरती के मुकाबले हमारी साइज बहुत छोटा है और धरती का मूवमेंट बहुत स्मूथ है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर धरती अचानक घूमना बंद कर दे तो? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हो जिसका स्पीड है करीब आधा किलोमीटर पर सेकेंड और आपने अचानक ब्रेक मार दी। दोस्तों, कार तो रुक जाएगा पर आप कार के शीशे को तोड़ते हुए दूर जाके गिरोगे और ये सब मोमेंटम के चलते ही होगा। दोस्तों, कुछ ऐसा ही होगा अगर धरती स्पिन करना बंद कर दे तो। धरती का रोटेशन स्टॉप होते ही आप आधा किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाओगे और सिर्फ आप ही नहीं, धरती में प्रेजेंट हर ऑब्जेक्ट का हाल कुछ ऐसा ही होगा। और तो और, धरती के रुक जाने की वजह से एक दिन का लेंथ 6 महीने का हो जाएगा और रात भी 6 महीने का हो जाएगा, यानी कि आप 6 महीनों तक सिर्फ सूरज को देख पाओगे और बाकी के 6 महीने आप सिर्फ चांद को ही देख पाओगे। धरती का रोटेशन बंद हो जाने के वजह से समंदर का पानी उछल जाएगा और हो सकता है कुछ कंट्री भी डूब जाएगा। इस सब के बाद अगर कुछ लोग बच भी जाए तो भी वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। धरती के रोटेशन बंद होने के वजह से कोई भी फसल नहीं उगेगा और तो और, धरती अपना मैग्नेटिक फील्ड भी खो देगा और इन सारे घटनाओं के बाद धरती पूरी तरह लाइफलेस हो जाएगी। पर दोस्तों, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।